स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज बात करने वाले हैं अल्कोहल यानी अल्कोहल इजी एंट्री की मेथड से। दोस्तों शुरुआत करते हैं 12th की केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पर 12th की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बड़ी आसानी से समझ में आने वाला है। जब किसी एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह यानी बॉन्ड OH समूह द्वारा कर दिया जाए तो बने नए यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर भी समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला था जब किसी एलिफैटिक, ये क्या हो गया, एक एलिफैटिक हो गया और एक एलिसाइक्लिक भी ले लेते हैं। ठीक है, ये एक एलिसाइक्लिक हो गया। ठीक है, दोनों चीजों को समझिएगा। ठीक है, ये क्या है, एक एलिफैटिक यौगिक हो गया या फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, ये एलिफैटिक है हमारा, ये एलिसाइक्लिक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, ये एलिसाइक्लिक है और ये एलिफैटिक है। इसमें से क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन। ठीक है, ये माइनस का मतलब ये होता है कि ये वाला एच निकल रहा है और प्लस का मतलब होता है दोस्तों कि बॉन्ड OH समूह जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ सिंपल क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड OH हो जाता है। ठीक है, यानी अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ओके, इसी तरह से एलिसाइक्लिक समूह होता है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन होती है, हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है और जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो बड़ी आसानी से जुड़ करके अल्कोहल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये इसका बॉन्डेशन हो गया। इसको अगर हम इसको समझे तो बड़ी आसानी से परिभाषा के तौर पर भी बदल सकते हैं। जब किसी एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से, आप लोगों को सभी को पता है कि हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, ये क्या है, एक एक हाइड्रोजन परमाणु है का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला जो यौगिक होता है वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल होता है। अल्कोहल की पहचान क्या होती है, तो अल्कोहल में बॉन्ड OH समूह लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, चलिए अल्कोहल का समूह यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये भी लिख दिया है कि अल्कोहल का जो समूह होता है बॉन्ड OH समूह होता है जो sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ये sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CN, ध्यान दीजिएगा, CnH2n+1 बॉन्ड OH होता है। कितना होता है, CnH2n+1 बॉन्ड OH होता है। ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं बहुत इजी तरीके से, तो इसको और आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया, ये ले लेते हैं यहाँ पर एक मेथिल बेंजीन को, ठीक है, इसकी क्रिया करा देते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु, और इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा, OH समूह। ये क्या बन जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो एलिसाइक्लिक संरचना बन रही है क्या बन जाएगी, CH2 बॉन्ड, यहाँ CH2 था इसके साथ OH लग जाएगी, तब जाएगा, यहाँ CH3 था तो एक H जो है इसका निकल चुका है और उसी की जगह में क्या आ चुका है, OH जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से एलिसाइक्लिक पूरा आपका बन चुका है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं अल्कोहल के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अब अल्कोहल के प्रकारों की। तो अल्कोहल का जो प्रकार होता है बहुत ईजी है, यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रकार होता है प्राथमिक अल्कोहल। क्या है, जब हाइड्रो, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकेंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और NEET का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन से, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है यहाँ पर, ये क्या होते हैं, एल्किल मूलक होते हैं और एल्किल मूलक के साथ में ये हमारे पूरे
जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको परिभाषा भी बताता चलूंगा। जब हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन परमाणु से एक एल्किल मूलक जुड़ा होता है, ये R जो होता है क्या कहलाता है, एल्किल मूलक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बनती है, जब हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन परमाणु से एक एल्किल मूलक जुड़ा होता है तो बनने वाले यौगिक को प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं या फिर प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। समझ में आ गया, यानी जब हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन परमाणु से एक एल्किल मूलक जुड़ा होता है तो बनने वाला यौगिक प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर आप पहुँचोगे, ये हमने एक एग्जाम्पल नोट कर लिया है अपना पहले से ही ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ सेम परिभाषा वही बनेगी कि जब हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन परमाणु से दो एल्किल मूलक जुड़े होते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा दो एल्किल मूलक जुड़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दो एल्किल मूलक हैं। जब दो एल्किल मूलक जुड़ते हैं तो बनने वाला जो यौगिक होता है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम टर्सरी पे बात कर लेते हैं कि टर्सरी एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं टर्सरी का, तो बहुत इजी तरीके से है, इसको भी समझ लेते हैं। तो जब हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन परमाणु से तीन एल्किल मूलक जुड़े होते हैं तो बनने वाला जो यौगिक होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, तृतीयक एल्कोहल या फिर टर्सरी एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नामकरण की। ठीक है, नामकरण भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो नामकरण में आएंगे आप लोग। तो ये साधारण नामकरण मैंने आपको बताए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्या है यहाँ पर, सबसे पहले R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या कहलाते हैं, प्राइमरी एल्कोहल कहलाते हैं। याद रखेंगे आप लोग क्या है, ये प्राइमरी एल्कोहल यानी प्राथमिक एल्कोहल। फिर ये क्या है, दो एल्किल मूलक दिखाई दे रहे हैं, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, इसके बाजू में आप देख रहे हैं तीसरा पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर तीन एल्किल मूलक जुड़े हैं एक ही कार्बन परमाणु से, तो ये क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्कोहल या फिर टर्सरी एल्कोहल। यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने अभी आपको परिभाषा भी बताई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये किस प्रकार का है, तो एक नॉर्मल एल्कोहल। क्या है ये, एक नॉर्मल प्रकार का एल्कोहल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और प्रकार जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कौन सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपके साथ ये हाइड्रोक्सिल समूह है और उसके साथ दो कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसी अवस्था में इसे हम आइसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम आइसो बोलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, आइसो का एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ तो टेंशन मत लीजिएगा। और ये जो छठा पॉइंट देख रहे हैं नामकरण का, इसे बोलते हैं नियो, क्या बोलते हैं, इसे हम न्यू एल्कोहल की कैटेगरी में मानते हैं। चलिए नामकरण के कुछ उदाहरण हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो आपके लिए काफ़ी जानने लायक है। तो सबसे पहला एक एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, और यहाँ पर लिखते हैं CH3 और इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं CH2 बॉन्ड CH3। अब इसका जो नामकरण होगा वो क्या होगा, तो इसको हम बड़ी जी तरीके से, मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक ही कार्बन परमाणु से तीन एल्किल मूलक जुड़ते हैं और उसके बाद में कार्बन परमाणु के बाद में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है, उस कंडीशन को हम नियो एल्कोहल कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, ये जो हमारा कार्बन परमाणु है, ये CH2OH, ये CH2OH देख रहे हैं आप लोग, फिर ये कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु आपके सामने हैं, एक दो तीन, एक दो तीन दिख रहे हैं आप, इसे क्या बोलेंगे, नियो हेक्सिल एल्कोहल, क्या बोलेंगे, नियो हेक्सिल एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे कि इसे नियो हेक्सिल एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं आपको ताकि याद रहे, दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है हमारा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3
और यहाँ पर OH कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पर OH कर लेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, तो बहुत ही इजी तरीके से इसको द्वितीयक एल्कोहल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम, द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं। अब आप इसको कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दो एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं, क्या है इसका अगर एग्जांपल और मैं दिखा दूँ तो ये ऐसे हो सकता था CH3, ठीक है, और ये यू करके हो जाता तो आप शायद समझ लेते कि द्वितीयक एल्कोहल लिखा था। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि ये बांड जो लिखा है ये किस तरह से लिखा है, ठीक है, और मैंने OH कहाँ पर जोड़ा हुआ ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और दो तीन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मैं आपको आइसोप्रोपिल एल्कोहल का बता देता हूँ, तो CH3 बांड CH बांड OH, ठीक है, ये किस प्रकार का एल्कोहल कहलाएगा आप लोग बताइए। तो इसे आप बोलेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, क्या बोलेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। इस तरह से आप लोग एल्कोहल को समझ चुके हैं कि एल्कोहल क्या है, एल्कोहल के नामकरण क्या है और एल्कोहल के प्रकार कितने होते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग एल्कोहल बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं और उन विधियों में कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जाएंगे और क्या क्या विधियाँ, सारी चीज़ों को समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।